गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइंड एंड फिट एट योर होम। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसमें हमने दो लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आप सभी के पास इस चैप्टर की PDF है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन देख के लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सी हियर, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, सो यू कैन राइट फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। अब दूसरी बात क्या बताई गई है कि भाई यहाँ पे दोनों एंगल्स कैसे हैं कि भाई एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स सो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो वर्ड दे दिया गया है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होता तो कितना होता 90 डिग्री। सो अब हमारे पास ए की और बी की दोनों की वैल्यू यहाँ पे एक्स के फॉर्म में दी गई है कि भाई एंगल ए की वैल्यू है 3x माइनस 10 डिग्री प्लस बी की वैल्यू है 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 2x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसका एडिशन होगा, 3x प्लस 2x बिकम 5x एंड 30 माइनस 10 बिकम 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x एज इट इज, 20 सामने के साइड जाएगा तो माइनस होगा, सो 5x इज इक्वल टू 160। कितना आया? 160। अब x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 5। ये जो 5 है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, सामने आएगा तो डिवीजन के रिलेशन में होगा। अब यहां पे x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 5 कीजिएगा तो 32 मिलेगा। कितना मिलेगा? 32। 5 थ्री जा 50 एंड 5 टू जा 10, सो x इज 32। बट x इज इक्वल टू 32 इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच आर डिपेंडेंट्स ऑन द एक्स, सो दैट देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री, 3 इंटू 32 माइनस 10, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 96 माइनस 10 बिकम 86 डिग्री। एंगल ए इज 86 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x प्लस 30, 2 इंटू 32 प्लस 30, सो 2 टू जा 4, 64 प्लस 30 इट बिकम 94, सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू 94। अब अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो वो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लिख लीजिए। कुल मिला के यहाँ पे लाइंस और एंगल्स में
तीन से चार प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर उसके बाद हम आगे सीखेंगे ट्रांसवर्सल, लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जांपल भी हमें कुछ करने हैं। अब नंबर 9, इफ एक्स एंड वाई आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इट मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे उसके बीच के रिलेशन दे दिया गया है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम एंगल वाई, देन फाइंड अ एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दिया गया है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, therefore एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है कि अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू फाई के फॉर्म में पहले ही क्वेश्चन में दी गई है, एक्स की वैल्यू है वो वाई के फॉर्म में हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई है, तो हम एक्स एंगल एक्स की जगह पे हम 4 एंगल वाई लिख सकते हैं, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 4 प्लस 1 बिकम 5 एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 90/5, सो एंगल वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। 18 मिलेगा ना, 18 5 90, ये आपको मिल गया एंगल वाई। अब एंगल एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल वाई, सो 4 × 18, सो यहाँ पे आ जाएगा 8 4 32 कैरी ऑफ 3 4 1 4 72, एंगल एक्स इज इक्वल टू 72। अब इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देखिए 72 प्लस 18 कीजिए, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 10 90, तो दोनों एंगल का सम कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री। अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपको होमवर्क में करना है, इसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू एक्स और वाई की जगह पे पी और क्यू है और फोर की जगह पे 11 है, और एंगल कैसा है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, बस इतना ही फर्क है, तो वो इस हिसाब से ही पूरा एग्जांपल होगा। फर्क सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे सप्लीमेंट्री होगा, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे पी क्यू है, इतना ही फर्क है। पहले ये लिख लीजिए, बाद में वो टेंथ वाला भी आप कर लीजिए। टेंथ के बाद आएगा इलेवंथ, इलेवंथ वाला करवा देता हूँ, ट्वेल्थ वाला होमवर्क में कर लेना। सप्ली वाला किया था ना, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला करवा देता हूँ। नंबर 11, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी माइनस 20 डिग्री, एंड ओके इतना ही दिया है, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी माइनस 20 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू बी के फॉर्म में दी गई है, और दूसरी बात ये बताई गई है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हुए हमें मालूम पड़ा कि भाई एंगल ए और एंगल बी का अगर हम सम करेंगे तो वो हमें 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो उस हिसाब से अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया उसकी कॉपी ही है, एंगल ए की जगह पे हम बी के फॉर्म में जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंगल बी माइनस 20 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब एंगल बी प्लस एंगल बी इट बिकम अ टू एंगल बी माइनस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब टू एंगल बी एस इट इज माइनस 20 उससे जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 प्लस 20 बिकम अ 110। एंगल बी इज इक्वल टू 110 बाय 2, ये वाला 2 सामने जाएगा तो डिवीजन में आएगा, सो एंगल बी इज इक्वल टू 55। कितना मिला? 55। ये तो बात हो गई एंगल बी की। अब हमें लेना है एंगल ए, और वो क्या है? एंगल बी माइनस 20 डिग्री। तो एंगल बी हमें मिला 55, तो 55 माइनस 20 बिकम अ 35, सो एंगल ए इज 35। अगर आप दोनों का सम करेंगे तो 55 प्लस 5 बिकम अ 60, 60 प्लस 30 बिकम अ 90। दोनों का सम कितना मिलेगा आपको? 90 ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क में करना है, इसके जैसा कॉपी टू कॉपी ही है, ठीक है? चलो अब नंबर 13, एंगल ए पी सी एंड एंगल बी पी डी आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे हमें पहले फिगर ड्रॉ करनी है, देखना ना ड्रॉ करो तो भी चलेगा पर ड्रॉ करो तो अच्छा रहेगा। आपके पास इस तरह से दो लाइन है जहाँ पे एंगल या पॉइंट पी है वो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब उसने बताया है कि एंगल ए पी सी मतलब ए पी और ये यहाँ पे कुछ होगा सी, एंड एंगल बी पी डी तो ये यहाँ पे बी, ये पी और ये डी, मतलब यहाँ पे दो लाइन, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी एंड दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? तो उस हिसाब से जो हमें बताया गया है कि भाई यहाँ पे हियर एंगल ए पी सी एंड एंगल बी पी डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इट मीन्स अगर अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ एनसीईआरटी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उसके द्वारा बनते हुए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विच आर फॉर्म बाई द टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट द एनी एट वन पॉइंट द मेजरमेंट ऑफ द बोथ साइड विल बी सेम, द मेजरमेंट ऑफ both side will be same, so we can say that angle APC is equal to angle BPD
दोनों का एंगल का मेजरमेंट कितना रहेगा? सेम रहेगा, बट वो कितना दिया गया है पहले हमें वो लिखना है कि यहाँ पे एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 3x माइनस 20 एंड एंगल, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है लिथो में थोड़ा, यहाँ पे दो बार एंगल ए पी सी की वैल्यू दी गई है, आपको सिंगल टाइम में लिखना है, मतलब यहाँ पे ये वाली पहला वाला जो है ना वो आप उसके ऊपर कट कर देंगे तो भी चलेगा। एंड एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 2x प्लस 30। अब दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम। देयरफॉर अब दोनों की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, यहाँ पे 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 30। अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, वेरिएबल वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 3x 2x प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x होगा, ये प्लस 30 है, माइनस 20 सामने जाएगा तो प्लस 20 होगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 30 प्लस 20 बिकम 50 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50। उस हिसाब से एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 3x माइनस 20, 3 इंटू 50 माइनस 20, 3 इंटू 50 बिकम 150 माइनस 20 बिकम 130। अब ये 130 होगा ना तो ये भी 130 ही मिलने वाला होगा, तभी इसको हम इक्वल बोलेंगे ना। चेक कर लेते हैं, एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 2x प्लस 30, 2 इंटू 50 प्लस 30, 2 इंटू 50 बिकम 100 प्लस 30 बिकम 130, सेम ही आएगा। वो तो बात हो गई, वो तो मालूम ही था कि वर्टिकली ऑपोजिट होगा तो दोनों इक्वल मेजरमेंट के ही मिलेंगे। लिख लीजिए, नेक्स्ट नंबर 14, यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए कि एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर द एडजेसेंट एंगल्स इफ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1.5x एंड एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 2x एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड मेजर ऑफ ए बी डी एंड बी डी सी। तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको सोचना होगा कि भाई यहाँ पे जो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी है, ठीक है, वहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये कोई दो एंगल के छोटे छोटे दो पार्ट्स हो गए। पूरा एंगल क्या बन रहा है, देखो पूरा एंगल इस तरह से बन रहा है, देखते ही मालूम पड़ेगा क्योंकि वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, ए बी सी ये हमारा कितना है 70 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि भाई एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ए बी डी, ए बी और यहाँ से कहीं पे एक और रेस, कॉमन रेस निकलता होगा जहाँ पे कोई पॉइंट डी होगा, और एडजेसेंट की आपकी डेफिनेशन आपको भी मालूम है, तो वन आर्म एंड वन वर्टेक्स विल बी कॉमन एंड नॉन कॉमन आर्म आर द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सो अब यहाँ पे एक एंगल आ गया ए बी डी, सो एंगल ए बी डी एंड द सेकंड इज, मैं क्वेश्चन में रीड करके ही बताता हूँ, बी डी सी डी बी सी आर एडजेसेंट
angles. It means, now according to the figure, पहले इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे. एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1.5x. आप इसको नीचे नीचे लिखना, यह वाली वैल्यू यहाँ पे लिखा, उसके नीचे दूसरी वाली, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए. एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 2x. अब एंगल ए बी डी एंड एंगल बी डी सी आर द एडजेसेंट एंगल, सो वी कैन से दैट द बोथ एंगल इज द पार्ट ऑफ ए बी सी, सो दैट एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो मुझे पूरा ये वाला एंगल मिलेगा. ठीक है, एडजेसेंट एंगल ये भी कहता है कि वो जो जो बड़े एंगल के दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने में करता है वो मैटर नहीं करता. अब एंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी, डी बी सी और ए बी सी, तीनों की वैल्यू मेरे पास है. देखो तो तीनों की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा. ए बी डी 1.5x, 1.5x प्लस डी बी सी, डी डी यहाँ पे क्या गलती हो गई, डी बी सी इज इक्वल टू 2x और ए बी सी बिकम 70. ठीक है, अब 1.5 प्लस 2 बिकम 3.5x, दैट इज द डेसिमल्स एडिशन, 1 + 2 3.5x बिकम 70. अब इस डेसिमल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में. 35/10 x इज इक्वल टू 17. डायरेक्टली भी आप इसको सामने ले जा सकते हैं, पर उससे अच्छा है आप डेसिमल का डिवीजन से अच्छा है आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. अब 10 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 35 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो x इज इक्वल टू 70 इंटू 10 डिवाइड बाई 35. 35 × 2 = 70, 2 × 10 = 20. सो x इज इक्वल टू 20. एक्स इज इक्वल टू 20, दैट इज अवर फर्स्ट आंसर. सो नाउ नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी 1.5x. सो 1.5 × 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 15/10 × 20, 0, 0 कट, इट बिकम 30 degree. एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 degree एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 2x, 2 × 20 बिकम 40 degree. तो ये आपको मिल जाएगा 40 degree. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं तीन चीज़ पूछी गई थी कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए बी डी फाइंड कीजिए और डी बी सी फाइंड कीजिए. दोनों मिला के कितने होते हैं, देखो 40 + 30 बिकम 70. ये हमारा हो गया कितना, 30, ये 40, तो दोनों मिला के टोटल हो गया हमारा 70. तो ये था क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, इन सब में मिला के, मतलब के यहाँ तक मिला के हमने क्या क्या सीखा, कि भाई हमने सीखा कि भाई अब तक के एंगल्स जो थे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो तो क्या करना है. ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि भाई ये एडजेसेंट एंगल हो तो कोई भी दोस्त का सम तीसरे जितना होता है, उसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ तक हमने पढ़ा. अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनते हुए एंगल्स. ठीक है, वो जो एग्जांपल्स है कुछ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे. ठीक है.